Hello friends, welcome back to the channel Success with Rai Academy. Today we will discuss the vocabulary of the Indian Express editorial. So let's begin. The very first word is fragile. It was in the very first editorial article titled as Fragile Outlook. Fragile का मतलब होता है something which is very easily breakable, जिसे हम बहुत आसानी से चोट पहुंचा सकते हैं. Next is anecdotal. Anecdotal means a short or an interesting story about a real incident or a person. हिंदी में मतलब होता है वास्तविक. Anecdotal का मतलब होता है कोई ऐसी छोटी स्टोरी या कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जो कि किसी रियल इंसान पे या रियल इंसिडेंट्स पे आधारित हो. नेक्स्ट इज एक्सट्रापोलेशन. एक्सट्रापोलेशन मीन्स द एक्शन ऑफ एस्टिमेटिंग और कंक्लूडिंग समथिंग by assuming existing trend will continue or a current method will be applicable. Extrapolation का simple सा मतलब होता है कि जो trend चला आ रहा है उसको देखते हुए कुछ किसी चीज़ का forecasting करना या estimation करना या conclude करना, जैसा कि फिलहाल COVID की last wave को देखते हुए आगे की इसकी forecasting हो रही है. Next is trickle. Trickle का मतलब होता है कोई पतली सी धारा, धीरे धीरे कुछ गिरना. To flow in small stream or drip. Uptick. Uptick का मतलब होता है a small increase. Also a slight upward trend. Okay, कोई small increase, हल्का सा hike, उसे हम uptick कहते हैं. Next is agglomeration. Agglomerate एक word होता है जिसका मतलब होता है कि बहुत सारी कुछ companies या कुछ लोगों का इकट्ठा होके एक अलग ग्रुप बनना, उसे एग्लोमरेट कहते हैं और वहीं से वर्ड आया है एग्लोमरेशन. इट मींस अ मास और कलेक्शन ऑफ थिंग्स और एन असेंबलेज. स्ट्रिक्चर्स. स्ट्रिक्चर्स का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रेंट्स लगा देना किसी इंसान पे या किसी चीज पे. जैसा कि जो सेकंड आर्टिकल था उसमें ये बोला गया था कि कोर्ट ने कुछ स्ट्रिक्चर्स लागू किए हैं होर्डिंग्स ब्लैक मार्केटिंग को कम करने के लिए, राइट? तो स्ट्रिक्चर्स मींस अ रिस्ट्रिक्शन ऑन अ पर्सन और समथिंग और टू कंस्ट्रेंट. इमोटिव. इमोटिव मींस टू अराउज वेरी इंटेंस फीलिंग, किसी इंटेंस फीलिंग को जगाना, उसे कहते हैं इमोटिव. इसका सिनोनिम इन्फ्लेमेटरी भी हो सकता है. नेक्स्ट इज हिंटरलैंड. हिंटरलैंड रिमोट एरियाज के लिए यूज किया जाता है, रूरल एरियाज के लिए यूज किया जाता है जहां पे इंसान आसानी से ना पहुंच सके. फ्लैग्ड. हम कहते हैं ना कि जब ट्रेन आने वाली होती है या फिर कहीं पे सिग्नल में कुछ प्रॉब्लम होता है तो वहां पे रेड फ्लैग दिखाया जाता है. तो उसका मतलब क्या होता है कि कुछ आइडेंटिफाई किया गया है या किसी चीज को मार्क किया गया है, राइट? तो यहाँ पे भी फ्लैग का मतलब यही है, टू मार्क और टू आइडेंटिफाई समथिंग. Albeit, yes. Albeit बहुत जगह यूज किया जाता है. इसका मतलब होता है दो. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज मेकिंग प्रोग्रेस albeit rather slowly. यानी कि वो इंसान तरक्की कर रहा था भले थोड़ा धीरे कर रहा था. सो albeit का मतलब होता है दो. नेक्स्ट वर्ड इज counterfeit. ये बहुत आप इसको न्यूज में सुन रहे होंगे. इसका मतलब होता है नकली बनाना, किसी चीज का नकल उतारना, एग्जैक्ट वैसा ही नकल उतारना इस इंटेंशन के साथ कि किसी के साथ हम फ्रॉड कर सकें. काउंटरफीट मींस टू मेड इन एग्जैक्ट इमिटेशन ऑफ समथिंग. इमिटेशन का मतलब होता है नकल उतारना, समथिंग वैल्यूएबल विद द इंटेंशन टू डिसीव और डिफ्रॉड. एक्सॉर्बिटेंट. एक्सॉर्बिटेंट का मतलब होता है बहुत एक्सेसिव हाई प्राइस डिमांड करना. जैसे कि जब होर्डिंग होती है, ब्लैक मार्केटिंग होती है, तो क्या होता है, एक्सॉर्बिटेंट हाई प्राइस पे चीजों का आदान प्रदान होता है, राइट? तो एक्सॉर्बिटेंट मींस अनरीजनेबली हाई. कॉग्निसेबल. कॉग्निसेबल इट मींस क्लियरली आइडेंटिफाइबल और परसेप्टिबल, जो कि आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके, जो आसानी से दिख जाए, जो छुपे ना, उसे कहते हैं कॉग्निसेबल. डेटरेंट. डेटरेंट मीन्स टू डिस्करेज समवन. ओके, किसी को डिस्करेज करने को कहते हैं डेटरेंट. सिनोनिम इसका डिस्करेजमेंट हो सकता है. अ थिंग दैट डिस्करेजेस और इज इंटेंडेड
टू डिस्क्राइब समवन, टू डिस्करेज समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं होगा, डिस्करेज होगा, तो डिटरमेंट का मतलब होता है किसी को डिस्करेज करना कुछ करने से. डी ज्योर, ये एक लीगल टर्म है और नॉर्मली लॉ में ज़्यादा यूज किया जाता है. इसका मतलब होता है कोई ऐसी प्रैक्टिस जो कि लीगली रिकग्नाइजेबल हो, जो कि हर जगह पे चाहे वो एक्चुअल में हो या ना हो बट लीगली रिकग्नाइज हो. प्रैक्टिसेस दैट आर लीगली रिकग्नाइजेबल. मॉर्बिडिटी, मॉर्बिडिटी और मोर्टैलिटी को हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं आसपास में ही. इसका मतलब होता है द कंडीशन ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज और अ मेडिकल कंडीशन, या फिर आप कह सकते हो द रेट ऑफ डिजीज इन पॉपुलेशन. ओके, तो मॉर्बिडिटी का मतलब होता है किसी डिजीज की कंडीशन एक पॉपुलेशन में. नेक्स्ट इज मॉर्टैलिटी. सिंपल मॉर्टैलिटी का मतलब होता है डेथ ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. हम कहते हैं ना मॉर्टैलिटी रेट इन किड्स, मॉर्टैलिटी रेट इन ओल्डर पीपल. एंड द लास्ट वर्ड इज स्पूरियस. स्पूरियस का सिंपल सा मतलब है फॉल्स फेक. इट मीन्स कोई ऐसी चीज बनाना जिसका मतलब ही जो मतलब होता था उसके विपरीत कुछ काम होना. यानी कि फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो कि रेमडेसिविर जो ड्रग है वो लोगों को बचाने के लिए काम की जाती है, लेकिन अभी उसकी नकल उतारी जा रही है, राइट? तो नॉट बीइंग व्हाट इट परपोर्ट्स टू बी, कथित तौर पे जो उसको करना चाहिए था वो ना करे, उसे कहते हैं स्पूरियस. सो गाइज, दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरीज फ्रॉम टूडेज आर्टिकल ऑफ द एडिटोरियल पेज. डू लर्न दिस, डू रिवाइज दिस. See you tomorrow again with new vocabularies from tomorrow's editorial. Till then, take care, stay home, stay safe.